पाइथन का एक छोटा सा कोड जो कि टर्टल से रिलेटेड है, और टर्टल एक मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें टर्टल को इंपोर्ट कराया गया, और इसको चलाने के लिए मैंने पाइचाम का यूज किया है, और ये आपका पूरा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, देख सकते हैं यहाँ पर कलर कौन सा रहेगा इसमें, रेड कलर प्रिंट करेगा ये, और किस किस तरीके से, और ब्लैक आपका बैकग्राउंड शायद ब्लैक रहेगा इसमें, देखिए यहाँ पे ब्लैक भी दिया गया है, तो बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा आपका, और स्पीड यहाँ पे 0 रखी गई है, तो इसको अभी चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से इसको चला रहा हूँ और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बन रहा है, देख लीजिए। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, टर्टल मॉड्यूल का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, और इस तरह के और भी चीजें बनाई जा सकती हैं टर्टल मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। अब इसमें रेड लिखा हुआ है, तो रेड को क्या हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करेंगे तो यहाँ क्या इफेक्ट आएगा उसको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ रेड हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ब्लू, BLUE, तो ये लिख दिया ब्लू, और फिर इसको चला देते हैं एक बार, देखते हैं कि क्या कोई परिवर्तन आता है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी रेड में आ रहा था वो ब्लू में आने लगा, देख सकते हैं, और यहाँ पर ये सेम चीज जो है ब्लू कलर में आ रही है, देख लीजिए। तो यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस करके आप इस प्रोग्राम में परिवर्तन ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लू है, अब ये बैकग्राउंड किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो मैं इस बैकग्राउंड को क्या करता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ और इसको बना देता हूँ रेड कलर का। तो फिर इसको चलाएंगे और देखते हैं कि बैकग्राउंड हमारा चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब बैकग्राउंड जो है रेड कलर का हो गया। तो इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस आप लेके आ सकते हो, किसका इस्तेमाल करके, टर्टल का इस्तेमाल करके। टर्टल एक काफी कमाल का मॉड्यूल है तो बड़ा छोटा सा लेकिन काफी कमाल का है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड 0 दी गई है, तो क्या हम स्पीड अगर यहाँ 5 कर देते हैं तो कोई इस पर इफेक्ट आएगा, एक बार चेक करते हैं। अभी देखिए ये 5 किया हुआ है स्पीड, तो ये काफी धीरे धीरे ये काम कर रहा है, देखिए ये बहुत धीरा हो चुका है, धीरे धीरे करके हो रहा है, स्पीड हो गई इसकी क्या, स्लो। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, देखिए चीज वही है लेकिन स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई इसकी, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। पाइथन में इनबिल्ट लाइब्रेरीज बहुत सारी होती हैं जिनका यूज करके आप कमाल की चीजें बना सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, थैंक यू।